As you guys can see, here we have our first sentence. This all sentence, this all sentences is related to the chapter Sing, Bird Sing. There is nothing outside from the story. Everything is related to the story. So let's see. If you have remembered the story, you will also know the answer. अगर आपको कोई भी story याद है तो आपको answer भी इसका पता होगा. Here we have Robin Redbreast loved to sing a song. Robin Redbreast को क्या पसंद था? गाना गाना या खुदकना? तो Robin Redbreast loved to sing. Okay, loved to sing. Robin Redbreast को गाना गाना काफी पसंद था. Here we have the shape of a hill is called as hill top or hillside. Shape of a hill. Okay, slope of a hill. Slope is चढ़ने वाला जो रास्ता होता है, जैसे कि पहाड़ होता है इस तरीके से. तो आपका जो ये साइड पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? हिल साइड, ना कि हिल टॉप. ओके, इसी से चढ़ने वाले एरिया को स्लोपिंग एरिया बोलते हैं. तो कोई पूछ रहा है कि जो हिल का स्लोपिंग एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं? हिल टॉप और हिल साइड. तो व्हाट वी कॉल हिल साइड. Then we have a tortue or window sill is the bottom of the window. अगर आपने खिड़की देखी होगी तो देखा होगा कि खिड़की जिस पे अटैच होती है उसके नीचे भी एक लकड़ी होती है. अगर लोहे का सारा कुछ हो तो लोहे का होता है जिसपे वो पुलदा होता है. तो वो सेम चीज डोर में भी होता है और विंडो में भी होता है. जिसका वो पूरा कहते हैं जो स्ट्रक्चर होता है, जो नीचे का बॉटम होता है उसको ही कहते हैं. तो विंडो से अगर तो शीट इज द बॉटम ऑफ द विंडो, तो विंडो के बॉटम को क्या बोलेंगे? विंडो शीट. A garden, a courtyard is an open area surrounded by walls. So, I think you guys know what is garden. आपको पता है garden क्या है? तो अब courtyard किसको बोलते हैं? Open area, जो एक खुला area होता है जिसको सिर्फ दीवार से घेर दिया जाता है, चारों तरफ दीवार के ऊपर उसको ऊपर से खुला छोड़ दिया जाता है, उसको कहते हैं courtyard. तो a courtyard is an open area surrounded by walls. Now we have the home of a king is called a बंगलो और पैलेस. जहाँ राजा रहते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं? होम यानी कि घर, या फिर नहीं बंगलो या फिर पैलेस. तो जहाँ राजा लोग रहते हैं उस जगह को राजमहल बोलते हैं, और उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राजमहल को पैलेस. Now we have we cook food in the bedroom or the kitchen. So we guys already know that we cook food in our kitchen, not in a बेडरूम. बेडरूम में सोया जाता है ना कि पकाया जाता है. ओके, सो दिस इज ऑल वी हैव इन दिस क्वेश्चन नंबर एफ. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नो ग्रामर सेक्शन व्हिच वी हैव इन दिस पेज नंबर फ्रॉम दिस सेम पेज नंबर 68. ओके, सो इन दिस नो ग्रामर सेक्शन वी हैव रीड दिस एनिमल्स. मीन्स हर नो ग्रामर सेक्शन का एक टॉपिक होता है, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव. इसका क्या है? एडजेक्टिव है. ओके, देखो लुक, सेंटेंस दिए गए हैं. आई हैव अ लॉन्ग ट्रंक, आई हैव प्रिटी फिगर्स. सो हियर वी हैव अ पिक्चर ऑफ अ फॉरेस्ट सीन, जंगल सीन, एंड हियर वी हैव सम एग्जांपल, सॉरी, एनिमल्स और द बर्ड्स लाइक पीकॉक, कैट, टॉर्टोइस, फॉक्स, एलिफेंट. ओके, द एलिफेंट इज हियर सेइंग दैट आई हैव नॉट लाइक Elephant. I have a long trunk. I have a long trunk. यहाँ पे जो हाथी है सिंह ने वो बोल रहा है. I have a long trunk. वो ये नहीं बोल रहा I have trunk. मेरे पास सूंड है. वो कह रहा है मेरे पास लंबी सूंड है. तो वो अपने ट्रंक को और भी स्पेशल तरीके से बता रहे हैं कि हाँ, जो उसके पास जो सूट दी गई है वो लंबी है, वो छोटी है, ऐसे. तो लॉन्ग क्या
describe verb हो गया है, adverb noun हो गया। तो what we have to do in this particular exercise, we have to find out the describing word or adjective word of nouns, okay? Then we have round and the curly. Now we have to solve this particular question number G.
in this video, but I will not solve this in this video. I will solve this exercise in the next video. Till then, take care and be safe. Thank you.